पब्लिक टीवी आपकी आवाज। दिनांक 7 जून 2023 को करीब 1:20 पे हमें एक सूचना मिली मुख्य ब्यूरो के द्वारा कि इस तरह के कुछ लोग हैं जो पशुओं को चोरी करते हैं और उनको उनका अवैध कटान करवाते हैं, मतलब जो कटान करते हैं उन लोगों को भेज देते हैं। सूचना मिलने पर हमने एक टीम गठित की मैनाठेर पुलिस मुरादाबाद में, और टीम के द्वारा दबिश डाली गई डिंगरपुर जो कि एरिया है मैनाठेर का, वहाँ पे एक मोहम्मद अली है उनके घर पे दबिश डाली गई। तो मौके से 3 लोगों को पकड़ा गया जिनका नाम है आरिफ, फुरकान और शरीफ। ये तीनों कासगंज के रहने वाले हैं और 3 व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर वहाँ से फरार हुए, जिसमें इनका नाम है एक रिजवान है जो मैनाठेर के अल्लापुर भीकन के रहने वाले हैं, मोहसिन ये भी मैनाठेर अल्लापुर भीकन के रहने वाले हैं, और मोहम्मद अली जिनका घर था ये भी वहाँ से अंधेरे का फायदा उठा के वहाँ से फरार हुआ। मौके से हमें एक महिंद्रा पिकअप गाड़ी मिली और एक i10 कार मिली। उसके अलावा हमें एक अवैध तवंचा इनसे मिला है, 2 कारतूस जिंदा कारतूस मिले हैं, उसके अलावा 2 चाकू बरामद हुए, उसके अलावा 3 भैंसे मिली और 3 भैंसे के जो पशु होते हैं छोटे वाले जिन्हें कटरे बोलते हैं वो मिले। और इनको गिरफ्तार करने के बाद पुलिस द्वारा एक और टीम गठित की, जो फरार लोग हैं उनकी दबिश डाली जा रही है और मुकदमा दर्ज कर इनको आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। सर ये गाड़ियों की नंबर प्लेट भी कुछ हाँ चेंज किया रखते थे। इसमें एक और इनके जो चीज़ सामने आई जो हमने इनसे पूछताछ की, जो गाड़ी पे नंबर थे और गाड़ी का हमने चेक किया चेसिस वगैरह नंबर, तो ये मूल जो गाड़ी का नंबर था उससे अलग था। ये हमेशा अक्सर गाड़ियों के नंबर चेंज करके घूमा करते थे ताकि कोई इनको पकड़ ना पाए, आइडेंटिफाई ना कर पाए। हाँ, इसमें जो एक व्यक्ति पकड़ा गया है शरीफ, उसका ऑलरेडी कासगंज में 163/23 मुकदमा संख्या है जो कासगंज में दर्ज है, 620/19। सर इनके पास जो पशु पकड़े गए हैं वो चोरी के हैं या? ये पशु चोरी के हैं और हमारे अभी ठाकुर द्वारा में भी एक चोरी हुई है तो पता चला कि इन्होंने ठाकुर द्वारा से भी चोरी की। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।